नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, क्योंकि पूरा देश इसी विषय पे चर्चा कर रहा है। देश में पिछले एक दो सालों से ऐसी चर्चा चली है कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारी आजादी खतरे में है, हम सब खतरे में है। और कई लोगों का पर ऐसा बोलना होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसा एजेंडा सेट कर रहे, ऐसा वो सोचते हैं कि हम खतरे में हैं, या हमारा संविधान खतरे में है, या लोग अपना इलेक्शन या चुनाव जीतने के लिए ऐसी बातें करते हैं या गलत बातें करते हैं। लेकिन नेताओं का छोड़ो, आम जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ऐसा प्रचार तो सब जगह हो चुका है, टीवी पे हो चुका है, सब जगह हो चुका है कि संविधान खतरे में, अगली बार इलेक्शन नहीं आएगा, देश में प्रॉब्लम होगी, 10 तरीके के जो कुछ पीछे वादे हुए उनकी चर्चा है कि वो वादे पूरे नहीं हुए। तो लोगों का क्या सोचना है, आम जनता, जो पढ़ी लिखी जनता है, जो इस पे काम कर रही है, जिसके साथ कई लोगों को, कई ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है या हमारे साथ फसवणूक हुआ है। कई लोगों को लगता है कि नहीं, आपके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। पर पढ़े लिखे लोग, या मैं ऐसा समझता हूँ कि जब अंग्रेजों के खिलाफ हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और भगत सिंह जैसे लोग अपना घर बार, अपना वजूद, पढ़े लिखे लोग जो अपना सब कुछ छोड़ के, जो अपना तन मन ध्यान देश के लिए जिन्होंने दिया, तो कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि ऐसी भी सिचुएशन है कि अगर अभी देश को नहीं बचाया तो देश वापस अपने लोगों के हाथ से गुलामी की जंजीर में चले जाएगा। तो क्या वाकई ऐसी हकीकत ग्राउंड में है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? तो मैंने जब इस सोशल काम करते समय मैंने ऐसा देखा कि यार वाकई ऐसी पोजिशन है, तो मैंने कुछ लोगों को देखा, कोई ऐसे टीचर है, शिक्षक है, जो काम कर रहे, जो दिन भर काम कर रहे और शाम को लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे, या अपना छुट्टी लेके, अपना पैसा खर्चा करके, अपना टाइम वेस्ट करके। तो मुझे ऐसा लगा कि यार वाकई ये वही देशभक्त लोग हैं, या वो लोग कैसे होंगे जो हम सोचते थे, ये वही देशभक्त लोग हैं जो वाकई अपनी ईमानदारी से अपना काम डाल के, अपना समय डाल के देश के लिए लोगों को जो है अवेयर कर रहे कि आपके साथ क्या हो सकता है, या आपके साथ सरकारें क्या लूट कर रही है, या आने वाले आपके साथ क्या करेंगे। तो ऐसे कुछ लोगों को जब मेरा टच आया और मैंने देखा कि वो मेहनत कर रहे हैं, तो आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कुछ लोग मेरे साथ, ऐसी एक टीम है, तो हम उनके इंट्रोडक्शन भी लेंगे, उनकी जानकारी भी लेंगे, और उनका आज इमोशन क्या बोल रहा है, तो उनका इमोशन जानने की हम कोशिश करेंगे, उनकी भावनाएं हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या भावना है आप लोगों की, कि आप लोगों से हम चर्चा शुरू करें, तो क्या भावना है आपके मन में कि आप इतना टाइम निकाल रहे हो और इतना अपनी नौकरियां पूरी करके उसके बाद अलग अलग स्टेट में जा रहे हो, जाके लोगों को अवेयर कर रहे हो, तो आपकी भावनाओं की शुरुआत या आपकी क्या भावना है, क्या ऐसी बात है? तो ये भावना हम एक गीत के माध्यम से आपको बताते हैं। ठीक है, बताइए, शुरू कीजिए। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, अच्छे दिन हाला बता, कर किसी को मिल जाएंगे तो बता दो बता, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, याद है मुझको तूने कहा था महंगाई फिर ना मरेगी कभी, जो बेरोजगार है सबके हाथों को कुछ ना कुछ काम मिलेगा भी, अब की बार पाई है मानों की सरकार, बेवफा वो वादे था। भाइयों बहनों, आपने देखा कि हम भाइयों बहनों सुनते सुनते हमारे भाइयों बहनों की भावनाएं कितनी इमोशनल उनके जो है कि उनके साथ, मुझे ऐसा लगा आपका ये गाना सुन के कि शायद जनता को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि उनके साथ चीटिंग हो गई है,
उनके साथ बेईमानी हो गई, धोखेबाजी के वादे हो गए, और मैं जो आपको मेहनत करते हुए देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वाकई, क्योंकि हम तो आजादियों की कहानी सुनते हैं, हम तो थे नहीं जब भी, कि वाकई ऐसे लोग हैं कि जो अपना काम धंधा करके, जो किसी से पैसा नहीं लेके देश के लोगों को बचाने के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं, हम आपके, जो मैं आपकी चर्चाएं सुन रहा हूँ, जो मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप अभी आने वाले समय में कोई नया गारंटी की बात करते हो, पर उससे पहले मैं ऐसा चाहूंगा कि जनता समझे कि वाकई खाली नेता नहीं इस तरीके की बात कर रहे, जो लोग वाकई चीट हो चुके, जो पढ़े लिखे लोग गए कि जिनके साथ सरकार को ऐसा लगता है धोखा हुआ है, जिनको ऐसा लगता है गलत काम हुआ है, सरकारों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सबका जो है परिचय, आपका इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करूंगा, तो जो हमारी जनता जनार्दन है उनको भी पता लगे कि आप लोग क्या करते हो और कैसा करते हो। तो भाई साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा आपका नाम और आप क्या करते हो। नमस्कार, मेरा नाम केदार रमाकांत निर्मला है, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अच्छा, बहन जी आप क्या करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि है और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक हूँ। अच्छा भाई साहब, आप क्या करते हैं? नमस्ते, मेरा नाम अजीत है और मैं चित्रकला शिक्षक हूँ। भाई साहब आप क्या करते हैं? नमस्ते, मेरा नाम रुशल है, मैं एक इंजीनियर टर्न स्कूल टीचर हूँ और बाकी सारा समय समाज का। अभी देखिए कि लोगों को, जैसे हम बोलते हैं कि एक माँ ट्रेंड हो जाए तो पूरा परिवार ट्रेंड हो जाता, तो जब बोलते हैं एक टीचर ट्रेंड हो जाए, एक टीचर जब पढ़ाता तो पूरा यूनिवर्स ट्रेंड होता है कि पूरी दुनिया के रूप बदल जाते। तो आप सबने देखा कि ये जो हमारे दो प्रोफेसर है, दो टीचर है, ये अपनी ड्यूटियां निभा के जनता को अवेयरनेस देने के लिए जाते हैं। ये जगह जगह के ऊपर जाके जो है रोड के ऊपर शो कर रहे हैं, हॉल के ऊपर शो कर रहे हैं। तो इनको देखने के बाद मुझे वाकई देशभक्तों की याद आ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस न्याय गारंटी की ये बात कर रहे हैं, वो न्याय गारंटी क्या है और देश के लोगों के साथ क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस न्याय गारंटी की आप बात करते हो, तो उस न्याय गारंटी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए हम सबको। न्याय गारंटी बहुत ही अच्छी है और इसमें हर तबके के लिए अलग अलग न्याय गारंटीज दी है, मतलब देश के सभी आम लोगों के बारे में यहाँ पे सोचा गया है। तो इसमें सबसे पहली जो गारंटी है, महिला न्याय गारंटी। तो हर गरीब घर की एक महिला को सालाना 1,00,000 रुपए मिलेगा, मतलब महीने का 8,500 रुपए मिलेगा। और ये क्यों? क्योंकि महिलाएं घर पे काम करती है और वो बच्चों को बड़ा करती है और ये बच्चे देश का भविष्य है, तो ये देश का ही काम करते हैं, तो इसलिए ये काम का सम्मान होगा। मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज है कि नेशनल लेवल पे किसी ने इस मुद्दे के बारे में सोचा है और महिलाओं के ये काम का सम्मान करके 8,500 रुपए महीना मिलेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट है कि अभी 30,00,000 सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी, उसमें से 50%, मतलब 15,00,000 नौकरियां महिलाओं की मिलेगी, ये गारंटी है। और तीसरी चीज जो हमारे आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनको तो अभी मानधन ही मिलता है, वेतन नहीं मिलता, तो उनको वेतन मिलेगा और वो बढ़ाया जाएगा और उसमें 14,00,000 नौकरियों की भर्ती की जाएगी। तो मतलब हर महिलाओं के बारे में और उनकी नौकरियों के बारे में बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भाई साहब आपको क्या लगता है कि आप जिस न्याय गारंटी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उसमें आपका क्या विचार है? देखिए, यह है कि इन्होंने महिला न्याय की बात की, उसी तरह से एक युवाओं के लिए न्याय की बात है। तो आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। तो सबसे पहली गारंटी जो है वो ये है कि हमारे देश में जो केंद्र सरकार की जो गवर्नमेंट पोस्ट होती है, आज उसमें 30,00,000 जगह खाली है, यानी भरे नहीं है, वो अंडरस्टाफ्ड है। तो सबसे पहला काम ये होने वाला है कि वो 30,00,000 नौकरियां जो है वो भरी जाएंगी। तो ये सबसे पहला। दूसरा ये है कि जो भी हमारे देश में शिक्षित युवा हैं, जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, उनको 1 साल तक, मतलब उनकी पहली नौकरी पक्की, ये गारंटी है, जिसमें उनको 1 साल तक अप्रेंटिसशिप का उनको राइट मिलेगा, जिसमें उनको महीना 8,500 यानी कि साल भर में 1,00,000 रुपए। तो ये पहली नौकरी हो गई, यानी कि उसमें उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, स्किल हो जाएगी और उस दम पे वो बाकी नौकरियां ढूंढ सकते हैं। और ये अप्रेंटिसशिप वो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर प्राइवेट ऑफिस में, कहीं पे भी ये किया जा सकता है। तो ये एक है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है वो यूपीएससी के या अलग अलग स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम देते हैं, तो उसमें पहली बात तो उनकी जितनी भी फीस है, जो एग्जाम फी होती है, वो माफ करने वाले हैं।
दूसरा आज जो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेपर लीक हो जाता है और सारे बच्चों के सालों साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो वो पेपर लीक के खिलाफ बहुत कड़क कानून आने वाला है। कड़क ऐसा होगा कि जिन लोगों ने भी उसमें गलत काम किया है उनको सजा ऐसी मिलेगी कि फिर दोबारा वो नहीं करेंगे। तो ये युवाओं के लिए कुछ बहुत बेहतरीन गारंटीज है। भाई साहब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप बताइए कि आपका क्या कहना है नया गारंटी के बारे में। जो हमारे देश का मजदूर है जो पूरे देश को चलाता है तो मजदूरों के लिए न्याय गारंटी क्या है? तो जो मजदूरी है तो कम से कम 400 रुपए दिन का मजदूरी न्याय गारंटी देता है। और जो गिग वर्कर्स है जो जोमेटो स्विगी ओला उबर जैसे जो कामगार है अभी सबसे ज्यादा वही ट्रेंड में है वर्कर, वो जो उनका उनके जान को हमेशा खतरा रहता है। वो जो गाड़ी चलाते हैं रास्ते के ऊपर अगर उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उनको भी बीमा मिलेगा। उनको अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो उनके परिवार को भी सुरक्षा मिलेगी। और जो गरीब है गरीब जनता है तो उनके परिवार के लिए 25 लाख रुपए तक का बीमा, जो अभी हम लोग बीमार पड़ते हैं या अस्पताल में जाना पड़ता है तो बहुत सारे जो खर्चा होता है उसके वजह से लोगों को अपना घर भी गिरवी रखना पड़ता है, खेती बेचनी पड़ती है। तो उसके लिए बोल रहे कि जो गारंटी है तो 25 लाख न्याय गारंटी उसमें ये सब सुरक्षा मिलेगी, ये सब सुरक्षा मिलने वाला। अच्छा, और आपके दिमाग में कोई इशू है, आपके दिमाग में और कोई बात है न्याय गारंटी? हाँ, इस देश का एक और बहुत बड़ा तबका है किसानों का। हम जानते हैं कि किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, दिल्ली में भी हुआ, पंजाब हरियाणा अभी भी चल रहा है, अभी भी चालू है। तो सबसे पहली डिमांड किसानों की क्या है कि स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी का कानून बने। तो सबसे पहले गारंटी ये है कि कानून बनेगा एमएसपी का। दूसरी गारंटी ये है कि आज जो है इस देश में हम क्यों कह रहे हैं कि ये अन्याय काल है, आप देखिए हमारे देश में जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा है। आज जो किसान खेती के लिए पंप इस्तेमाल करता है उस पर जीएसटी है 18%, ठीक है। बाकी जो उसको औजार लगते हैं उसकी जीएसटी है 12%। लेकिन जो अति अमीर जो एकदम एक्सट्रीमली रिच लोग हैं, डायमंड खरीदते हैं, हीरा खरीदते हैं, हीरे के ऊपर जीएसटी कितना है? सिर्फ 1.5%। ये इस देश का अन्याय है कि आम लोगों के जो लगने वाली चीजें हैं उस पर इतना हाई जीएसटी और जो एकदम सुपर अमीर लोग खरीदते हैं वो। तो ये जीएसटी का गलत स्ट्रक्चर जो अन्यायकारी स्ट्रक्चर है इसको बदलेंगे। तो न्याय गारंटी ये है कि किसानों के इंप्लीमेंट्स पे लगने वाला सारा जीएसटी खत्म। इसके अलावा जो पीक बीमा, आज प्रधानमंत्री की जो पीक बीमा है उसका पैसा किसको मिला है किसको नहीं मिला कोई नहीं जानता, लेकिन अब गारंटी ये है कि कुछ अगर आपदा होती है तो उसके 1 महीने के अंदर बैंक अकाउंट में किसान का बीमे का पैसा पहुंच जाएगा, कंपलसरी आ जाएगा। बिल्कुल, तो लीगल गारंटी हो गई एमएसपी की, जीएसटी फ्री हो गया। इसके अलावा जो किसानों के कर्जे हैं, इसके पहले भी जब यूपीए 2 का सरकार था उस समय पे किसानों का कर्जा माफ किया गया था, हमको याद है उस समय शरद पवार साहब जब कृषि मंत्री थे उस समय हुआ था। अब दोबारा ये जो सरकार है भाजपा की ये तो कभी कतई माफ नहीं करेगी। इन्होंने किसके कर्जे माफ किए हैं? इन्होंने वापस वही अंबानी अदानी अपने दोस्तों के कर्जे माफ किए, और छोटे मोटे नहीं, बिल्कुल भाई साहब 50 लाख करोड़ का पिछले 10 साल में टैक्स माफ हुआ है। आपका और मेरा एक पैसा नहीं छोड़ते, 50 लाख करोड़ माफ हुआ है। और उनका कर्जा मतलब जो एनपीए वो तो अलग, लेकिन जो कर्जा अभी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो लगभग 30 लाख करोड़ की है। इसमें आप ब्याज जोड़ देंगे तो ये 50 लाख और जुड़ जाएगा, 80 लाख पहुंचता है। आप कैलकुलेट कर लो 50 लाख करोड़ रुपए टैक्स और लगभग 30 लाख करोड़ अगर हम मान ले जो कर्जा आप छोड़ दिया है 80 लाख करोड़। इस देश का सालाना बजट है 48 लाख करोड़। आप सोचिए कितना सारा पैसा इस देश में है। ये देश गरीब नहीं है, इस देश की जनता को गरीब बनाया जा रहा है कुछ लोगों को अमीर करने के लिए। ये अन्याय के खिलाफ न्याय गारंटी है। अजीत जी आपका क्या कहना है? देखिए भारत में बहुत बड़ी तादाद में SC ST OBCs हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में वो सरकारी नौकरियों में नहीं दिखते, हालांकि नौकरियों में नहीं दिखते, असंगठित क्षेत्रों में है जो बहुत ही बुरे हालात पे काम करते हैं, बहुत कम वेतन पे काम करते हैं। तो एक गारंटी ये आ रही है सामने कि SC ST OBCs जो है उनके लिए एक तो उनकी जाति गणना हो कितने प्रतिशत लोग है उसके हिसाब से उनपे जो हिस्सेदारी है जो मिलनी चाहिए, जो आरक्षण की बात हो रही है वो 50% का जो उसका लिमिट है वो हटा के उनकी संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये सही मांग हो रही और यही आगे आ रहा है। और उसके अलावा फिर
जो विद्यार्थी एस सी एस टी ओबीसी के उनकी भी स्कॉलरशिप वो दुगनी करने की मांग हो रही है और वो भी शायद बहुत जल्दी वो भी पूरी है। मतलब भाजपा ने उनकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी। बिल्कुल। अच्छा, भाजपा ने, आपने सुना होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट में गरीब बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलता था बड़े अमीर स्कूलों में, वो खत्म कर दिया इस साल। यानी आज उल्टा चल रहा है इस देश में कि जो पिछड़े हैं उनको जानबूझ के पीछे रखा जा रहा है। बिल्कुल। न्याय गारंटी इसको उलट करने वाली। लेकिन अब मेरा एक सवाल है, हमने ये मूल मुद्दे जनता को बता दिए। अभी एक शब्द आ रहा है मोदी की गारंटी, और 10 साल में हमने वो सब फेल होते हुए देखी। 15 लाख आए नहीं, बिल्कुल काला धन आना था आया नहीं, या उन्होंने हजारों ऐसे वादे किए हुए जो शायद सब जनता को मालूम है। तो आप शिक्षक हो, आप प्रोफेसर हो, आप पढ़ा रहे हो, आप जैसे बाबा रामदेव ने बोला था कि मोदी जी आते से पेट्रोल 35 रुपए का हो जाएगा, हुआ नहीं। बिल्कुल। आप पत्रकार पीछे जाते हैं, बात करते हैं, आप कैमरे पे हो, मैं भी कैमरे पे हूँ, हम सब भी, हम पे भी इल्जाम आएगा कि भाई ये किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और बोलते हैं बिल्कुल कोई ना कोई तो को, जब वोटर भी है वो वोट करता है तो किसी पार्टी से तो बिलोंग करता है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप किसी पार्टी को फेवर कर रहे हो, मैं किसी पार्टी को फेवर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन शिक्षक को इसलिए सवाल है, जो जनता का सवाल है, मैं भी एक आम जनता का नागरिक हूं, मैं सोचता हूं कि अगर ये सब जो वादे मोदी साहब ने, हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने किए थे, उन्होंने पूरे नहीं किए, तो आप ये जो प्रचार कर रहे हो न्याय गारंटी का, अगर समझो ये इंडिया फ्रंट की गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, उसमें हम सब जो इंडिया आघाड़ी के जितने भी लीडर्स हैं वो हो, और अगर उन्होंने भी सेम झूठ बोला, उन्होंने भी ये सब गारंटी पूरी नहीं करी, जो न्याय गारंटी आप बात करो, वो मोदी गारंटी नहीं बोल रहे। सबसे पहली खुशी की बात क्या है कि वो अंकार में अपना नाम नहीं लगा रहे, ये मेरे को अच्छा लगा कि हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम किसी एक इंडिविजुअल आदमी की बात नहीं कर रहे। लेकिन ये न्याय गारंटी अगर ये आने आ गई सरकार और इसने भी इम्प्लीमेंट करी, तो फिर आपका रुख क्या होगा, आप लोगों का बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, हम लोग इस देश के नागरिक है, नागरिक होने का मतलब झुंड बन के फॉलो करना नहीं होता है, सिटीजन अंधभक्त नहीं बनना है। नागरिक होने का मतलब होता है हर चीज पे हम सवाल उठाएं, सजग रहे, जो सही है उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ हम आवाज उठाए। तो आज हम लोग भाजपा के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे, कल को खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि ये सरकार बिगड़े तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। फर्क इतना है, पक्का करोगे? बिल्कुल पक्का करोगे। फर्क इतना है कि सामने बोल रहे हैं, फर्क इतना है कि भाजपा के दौर में आप प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने क्योंकि ये डेमोक्रेसी कोई नहीं मानते, तो ये हर किस्म का ऑपोजिशन या डिसेंट को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो हम बात कर लिया, इंडिया गठबंधन, इनका सरकार पहले भी रहा है, लेकिन उसमें लोग प्रोटेस्ट करते थे ना। बिल्कुल। तो प्रोटेस्ट का राइट सबसे इम्पोर्टेंट राइट होता है सिटीजन का, और मेरे ख्याल से सभी को वही फॉलो करना चाहिए। तो चलो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट नोट था कि जो प्रचार करते हैं वो अपनी जवाबदारी से ना मुकरे। ठीक है, हम सरकार नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम जिन नागरिकों के लिए ये काम करते हैं, हम जो सोशल वर्क करते हैं, तो हम ये जवाबदारी रखें कि हम हमारी जबान निभाएंगे। हम अगर आने वाली सरकार ये काम नहीं करेगी तो उसके विरोध में हम काम करेंगे, चाहे वो हमारी ही सरकार क्यों ना हो। देखिए हम ये लड़ी क्यों रहे हैं? हाँ। कोई मोदी जी से हमारी पर्सनल दुश्मनी तो बिल्कुल ठीक ना, भाजपा से बिल्कुल, भाई हमारी हालत खराब है इसलिए हम लड़ रहे हैं बस। आज महंगाई क्या रेट बढ़ती है? बिल्कुल 8-10-12% बढ़ती है। पगार क्या रेट से बढ़ते हैं हमारे? 5-6% नहीं तो वो भी नहीं। मैं तो बोलता हूँ कहीं कहीं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है 0.5% से भी नहीं बढ़ती, कम हो रहा है लोगों का, कम हो रहा है। तो लोगों को महंगाई की मार लग इसलिए रही है क्योंकि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों का पगार नहीं बढ़ रहा। तो ऑन दिस नोट फिर मैं अब चाहूंगा कि ये कमिटमेंट मुझे पक्की चाहिए थी, क्योंकि क्या हो रहा है, आ रहा है वो आदमी झूठ बोल के चले जा रहे हैं, हम उसका कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऑन दिस नोट कैमरा आप अभी क्या फिर अपील करना चाहोगे फाइनल, वो आप जरूर बताओ। एक तो ये है कि देखिए कांग्रेस पार्टी की फिलहाल बात चल रही है क्योंकि उन्होंने न्याय गारंटीज दिया है। कांग्रेस पार्टी का सरकार अभी कहां कहां पर है, तो दो बड़े जो स्टेट्स है, एक कर्नाटक में है, एक तेलंगाना में। वहां पे जो इलेक्शन के समय वादे किए थे वो पूरे हो चुके हैं। जैसे आपको मैं बताऊं उदाहरण के तौर पे, कर्नाटक में यही था कि हर गरीब घर की एक महिला को 2000 रुपए मिलेंगे, वो मिलना शुरू है, बैंक अकाउंट में आ रहे। तेलंगाना, कर्नाटक में बस प्रवास महिलाओं के लिए फ्री हो गया। ठीक है, तेलंगाना की बात करें, वहां तो और भी बढ़िया काम हुआ है। मतलब वहां पे हर 18 साल से ऊपर की महिला को 2500 रुपए बैंक में मिलना शुरू हो चुका है। उतना ही नहीं, वहां पे गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है, वहां पे हर महीने बिजली के बिल के पहले 200 यूनिट फ्री हो जाते हैं। बुजुर्गों के लिए 4000 रुपए पेंशन, जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज्यादा है, ये स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। अब आप सोचिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत होता है ना, तो वो इन्हीं चीज को और बड़े स्केल पे इंप्लीमेंट कर सकती हैं। यानी ये फिजिकली पॉसिबल है, जो हमने बात किया लाखों करोड़ों का जो जो अभी अमीरों को जा रहा है, वो अगर हम जनता में बांटेंगे तो ये किया जा सकता है, पॉसिबल है ना। दूसरा ये है कि ये सरकार क्योंकि सिर्फ अंबानी अदानी जैसे मुख्य लोगों के लिए चलती है और कांग्रेस पार्टी या ये कॉन्स्टिट्यूशन की सरकार है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब लोग उसमें आते हैं, वरना कोई भी पार्टी क्यों मांग उठाएगी बराबर हिस्सेदारी की, क्यों जातिगत जनगणना की मांग उठाएगी, क्योंकि वो जेन्युइनली चाहते होंगे ना, तभी वो ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए फिर क्या आपकी फाइनल अपील है कि जनता इस बार जो है इंडिया फ्रंट को जो है वो करे और उनको न्याय मिले, बोलिए। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस न्याय गारंटी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग आशावादी होते हैं, भले हमको पीछे कितना भी चीट किया गया हो, कितना भी छल किया गया हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आने वाला समय अच्छा हो, और इसलिए ये जो न्याय गारंटी की बात करी जा रही है और टीचरों द्वारा, प्रोफेसरों द्वारा, जनता द्वारा, तो इस न्याय गारंटी को हम आशा रख के आगे बढ़ाएं और इस न्याय गारंटी हमको मिले और देश हमारा जो है, जिसको दुनिया तीसरी दुनिया कहती है, वो एक नंबर पे जाए और सभी लोगों को न्याय मिले और सभी लोग सुखी शांति से अपने देश में जिए, इतना ही मेरा कहना है। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।